तो गाइज आज जिन सब्सक्राइबर के अकाउंट को हम लोगों ने सिलेक्ट किया उनका नाम है आदि मानव। और गाइज आज भाई के अकाउंट को हम लोग निकालने वाले ये चुन्नु मुन्नु और नुन्नु बंडल। एंड यार भाई ने एक छोटा सा मैसेज भी सेंड किया है, लेट्स सी देखते भाई ने क्या कहा है। और गाइज आए दिनों में अपने सब्सक्राइबर का अकाउंट भी सिलेक्ट करता रहता हूँ, कैसे सिलेक्ट करता हूँ वो मैं बताऊंगा इसी वीडियो पे, तो चलो देखते भाई ने क्या कहा है। एमडीएस भाई, मेरा नाम आदित्य है और मुझे विनर सिलेक्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मुझे सिर्फ आप कोबरा एमपी 43 लेवल की कर दो और ब्लू फिनिक्स बंडल स्टोर से मुझे खरीद के दे दो, बाकी जो भी चाहिए आपको वो मुझे निकाल के दे दो, थैंक यू। ओके, तो भाई को ब्लू फिनिक्स बंडल चाहिए एंड कोबरा एमपी 40 को लेवल 3 तक करना है। वैसे कोबरा एमपी 40 को लेवल 3 तक करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो कर ही लेंगे, बट ब्लू फिनिक्स बंडल भाई को इतना क्यों पसंद है यार। ओके, यहाँ पर अवेलेबल है एंड हाँ बंडल इतना बुरा नहीं है, बट यार सबके पास ये बंडल अवेलेबल है ना, दैट्स व्हाई इसको कोई पहनते नहीं है। चलो ठीक है, इसको भी ले लेंगे। तो चलो गाइस मेरे को 2 मिनट का टाइम दो, मैं फटाक से डायमंड टॉप करके आता हूँ, तब तक आप लोग। ओके, तो गाइस हम लोगों ने डायमंड टॉप अप कर लिए स्टोर से एंड चलो जल्दी से स्टोर सेक्शन पे जाके सबसे पहले भाई को जो चाहिए था वो निकाल कर दे दिया जाए। जी हाँ, उनका ये ब्लू फिनिक्स बंडल, आई डोंट नो यार भाई को इतना क्यों पसंद है, बट चलो भाई ने डिमांड किया तो ऑब्वियसली ये देना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट लग चुकी है, ठीक है यार, ये सही था, बढ़िया था यार। चलो ब्लू फिनिक्स बंडल भाई ने ऐसा डिमांड किया था, ब्लू फिनिक्स बंडल भाई को मिल चुकी है। एंड नाउ अब बारी है लक रेल के अंदर जाने की एंड जितने भी ओपी ओपी साइट है सब कुछ निकालने की। तो यार यहाँ पर मैं स्कार गन की स्किन भाई के अकाउंट पे सबसे पहले निकाल के दूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ना भाई के पास एक भी लॉन्ग रेंज की अच्छी वेपन नहीं है। ओके, देख सकते हो यार क्या ही टट्टी वेपन का स्किन चला रही है भाई। चलो यार सबसे पहले भाई को स्कार गन की स्किन ही निकाल कर देते, तो चलो स्पिन किया जाए। क्या लगता है गाइस, पहले या फिर दूसरे स्पिन पे हम लोग की स्कार गन की स्किन मिल पाएगी? इतना अच्छा तो बंदे का अकाउंट नहीं लग रहा है मेरे को। अबे भाई लगा ही था यार, बट चलो कोई ना, ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। इस बार क्या मिलेगी यार, एटलीस्ट साइथ की स्किन भी मिले ना सेकंड या थर्ड स्पिन पे, तो नॉट अ बैड डील यार, बट लग नहीं रहा मेरे को यार ये लास्ट में देंगे। ये मोको स्टोर और फेडेड बिल भाई, ये दोनों ऐसे इवेंट है ना जहाँ पर जितने भी आइटम है लास्ट में मिलते भाई, बहुत दिमाग खराब करते हैं ये लोग। ओके, ये मैंने नहीं सोचा था यार। गाइस यहाँ पर हम लोग साइथ की स्किन मिल चुकी है भाई के अकाउंट पे, एक और लेजेंडरी मेले वेपन की स्किन ऐड हो चुकी है एंड क्या, अरे भाई ये मैंने नहीं सोचा था गाइस, लिटरली मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं थी इतनी इजी पीसी तरीके से हम लोग को ये स्कार गन की स्किन मिलेगी। देख सकते हो 499 डाउन में अब ये आ रहा है, तो मैं पागल थोड़ी हूँ 499 डाउन में एक वाउचर खरीदने जाऊंगा। शाबाश भाई, ये बहुत सही था यार। चलो गाइस जल्दी से वेपन वाले सेक्शन में चलते हैं एंड शो इन लॉबी करा दिया जाए भाई। रेड रेड स्कार गन की स्किन क्या ही जड़ लग रही है भाई के अकाउंट में। नाउ अब बार ये रेड कलर की बंडल निकालने की, तो यार मैं सोच रहा हूँ क्यों ना भाई को इन दोनों में से कोई एक बंडल दिया जाए। वैसे ये भी इतना बुरा नहीं है यार, मैं लिटरली कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये दोनों ही पसंद आ रहे हैं। तो रेड कलर की स्कार गन की स्किन है, तो क्यों ना इसी वाले बंडल को निकाल कर दिया जाए। तो यार यहाँ पर अभी हम लोग स्पिन करने वाले हैं एंड बताना यार आप लोग कमेंट करके कितने डायमंड हम लोग को लग जाएंगे इस वाले बंडल को निकालने में। और पहले स्पिन पे अगर ये 200 टोकन मिलेगा ना भाई, मजे ही मजे यार। चलो देखा जाए भाई के अकाउंट पे कितने डायमंड में हम लोग को रेड वाली बंडल मिलती है। यार 200 टोकन कलेक्ट करने में ना हालत खराब होने वाला है लिटरली। यार ये लोग 2-2 टोकन दे रहे हैं भाई, हद है। अबे एक एक टोकन दे रहे यार गाइस, सिर्फ टोकन दिया है लोगों ने एंड पहला स्पिन लिटरली हमारा वेस्ट हो चुका है। और ये कौन सा करेक्टर यूज कर रहा है हमारा भाई, यार क्रोनो यूज कर रहा है भाई, इतने टट्टी करेक्टर क्यों यूज करते हो ब्रो। तो इस बार किसको सिलेक्ट किया जाए यार, हम लोग एडम चाचा, आलोक चाचा, क्रोनो चाचा, ये सबको ट्राई करके मतलब ना अब हम लोग पक से गए, इसलिए हम लोग दद्दू को ट्राई करेंगे। चलो गाइस देखते हैं क्या हमारे फॉल्ट दद्दू कुछ कमाल कर पाते या फिर नहीं कर पाते। चलो दद्दू कुछ कमाल करना प्लीज, प्लीज दद्दू, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भाई मेरे को ऐसा लगा भी 200 टोकन मिलेगा गाइस, लेकिन यार एक एक टोकन, ये दद्दू हमारे एक एक टोकन दे रहे गाइस, ये बहुत गलत बात है। 3 टोकन दिया इस बार भाई, एक एक टोकन ही दे रहे हमारे दद्दू। ओके, दद्दू ने 10 टोकन दिलाया, चलो नॉट अ बैड डील, ठीक है 47 टोकन दो स्पिन में हो गए। Not bad. यार बंदे का अकाउंट तो बहुत सही चल रहा है भाई, अगर ऐसे चलता रहा ना और 2 या 3 स्पिन में काम हो जाएगा यार। बट पता नहीं, मैं जब भी तारीफ करता हूँ ना ये हग देता है भाई। अरे दद्दू ऐसा मत करो यार, अबे दद्दू बस कर दो, हेलो दद्दू। नहीं यार भाई गया यार, यहाँ पर टोटल हम लोग को मिलेंगे ओके 73 टोकन हो चुके हैं, नॉट अ बैड डील। और हम लोग को बहुत चाहिए यार, अभी भी बहुत चाहिए गाइस, 2 या 3 स्पिन में काम तो नहीं होने वाला है, क्योंकि 100 नहीं हम लोग को 200 टोकन कलेक्ट करने पड़ेंगे हम लोग को। एंड यहाँ पर हम लोग को 10 टोकन इस पर यार बहुत कम मिल रहा है यार इसके अकाउंट पे, इसका अच्छा तो मेरा अकाउंट है भाई। अबे 10 टोकन कितनी बार मिला है मेरे अकाउंट पे, एंड टोकन तो छोड़ो मेरे अकाउंट पे ये सारे आइटम्स भी जल्दी मिल गए थे यार। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाकर देखना, कमेंट बॉक्स पे या फिर एंडिंग स्क्रीन पे आप लोगों को वीडियो दिख जाएगी। यार ये सब आइटम मेरे को जल्दी मिल गए थे यार, इसके अकाउंट पे मिल ही नहीं रहे, बस टोकन पे टोकन दिए जा रहे हैं और बंडल तो मिल ही नहीं रहे भाई। मेरे को एक बंडल भी मिला था, लगता है ये दद्दू से कुछ ना होने वाला है।
ओके, तीन टोकन दिया इस बार भाई, दो टोकन, तीन टोकन, एक टोकन, बस यही लगा रखा यार इन लोगों ने। नहीं मिलने वाला यार कुछ भाई, मैं समझ गया दद्दू कुछ नहीं दिलाने वाले, भाई दद्दू हमारे कुछ नहीं दिलाने वाले गाइस। यहाँ पर करेक्टर चेंज करना पड़ेगा, लेट्स सी इस बार कौन सा करेक्टर को यूज किया जाए। पिछले बार टकला चाचा ने कमाल किया था, तो क्या लगता है यार यहाँ पर ये टकला चाचा कमाल कर पाएंगे? पहले टकला चाचा कुछ बंडल ढंग का पहनाते हैं, तो यही बंडल पहनाते हैं ना। हाँ चलो ठीक है, चल टकला चाचा कुछ कमाल कर दियो प्लीज भाई। देख टकला चाचा इज्जत का सवाल है, पिछले बार तूने जो बवाल किया था ना, बस मैं चाहता हूँ इस बार भी तू वही बवाल कर दे सब्सक्राइबर के अकाउंट पे। एंड कुछ क्या बंदे का अकाउंट है यार। अबे अरे 10 टोकन ओपी, चलो ठीक है। अरे भाई बंडल मिल गया गाइस, भाई सीरियसली भाई ये रेफिल करेक्टर लिटरली ओपी है यार। मेरे को लग रहा है ना एडम चाचा का जो पावर है ना आजकल अपडेट के बाद रेफिल चाचा के अंदर चला गया है। एंड क्या था भाई ये, भाई एडम चाचा पहले जो कमाल करते थे अब वही कमाल हमारे रेफिल चाचा कर रहे हैं। भाई मुंह की बात छील ली भाई, लिटरली सीधा बंडल यार। अपन क्या जाए फास्ट इक्विप की जाए। एंड यहाँ पर गाइस भाई फुल ऑन ओपी बंडल के साथ हमारे रेफिल चाचा ने मचा दिया। एंड इस बंडल के साथ ये जो गन की स्किन है ना ये भी बहुत जच रही है, आई थिंक सो इसी बंडल के थीम पर बेस्ड है यार ये गन की स्किन। देखो इस गन की स्किन में कुछ ऐसे ही चेहरा बना हुआ है। और गन की स्किन से याद आया, हम लोगों ने जब डायमंड टॉप अप किया तो हम लोगों ने इन दोनों रिवॉर्ड को तो लिया ही नहीं यार। चलो ठीक है, और एक ओपी सी स्पोर्ट्स कार की स्किन भी भाई के अकाउंट में आ गई। भाई यार भाई का अकाउंट तो लिटरली बहुत ज्यादा जॉड बन रहा है धीरे धीरे। अभी कहाँ गाइस, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी हम लोग और भी ओपी साटा भाई का अकाउंट में निकालेंगे। तो गाइस अभी हमारे पास 141 टोकन हो चुकी है, तो इन टोकन्स का क्या क्या जाए चलो देखते हैं एक्सचेंज वाले सेक्शन के अंदर। ओके अभी ये 150 में दे रहा है गाइस, मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल सही है यार, हम लोग चाहे तो इसको भी निकाल के दे सकते हैं भाई के अकाउंट पे। चलो गाइस यही करते हैं, हम लोग इसको निकाल के देंगे। तो हम लोग को चाहिए टोटल 9 टोकन, तो मैं सोच रहा हूँ यार 20-20 का स्पिन कर लेता हूँ, आई थिंक सो मिल जाएगा यार। और 5 टोकन पहले स्पिन पे, ये सही चल रहा है यार। भाई हमारे रेफिल चाचा बहुत ओपी है यार। चलो 1 टोकन दिलाया है, कोई बात नहीं है, हम लोग को 3 टोकन और चाहिए। 5 टोकन फिर से दिला दिया हमारे रेफिल चाचा ने। भाई रेफिल चाचा अब जॉर्ड यार, हमारे टकला चाचा बहुत जॉर्ड है यार। तो गाइस यहाँ से लिटरली 2 बंडल हम लोगों ने भाई के अकाउंट पे निकाल के दिए लेजेंडरी वाले। मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि 2 बंडल हम लोग को मिलेगी, तो अपन करके ओके कर लेते हैं। एंड ये वाली फेस पेंट की स्किन यहाँ पर लगाते हैं, चलो देखा जाए। भाई हमारे रेफिल चाचा तो बहुत कमाल के निकले यार। तो भाई के अकाउंट पे हम लोगों ने मेले वेपन की स्किन निकाल के दी, लेजेंडरी स्कार गन की स्किन निकाल के दी, लेजेंडरी 2 बंडल निकाल के दे दिए। बट यहाँ पर ना अभी तक मेरा मन नहीं भरा है, अब हम चाहते हैं कि ये ओपीसी गुलाल की स्किन भी भाई के अकाउंट पे निकाल के दी जाए, तो क्यों ना इसको भी निकाला जाएगा। चलो देखते हैं क्या होता है, कितने डायमंड में हम लोग ये ओपीसी गुलाल की स्किन मिलती है। मेरे अकाउंट में ना 99 डायमंड में ये गुलाल का स्किन मिल गया था। चलो देखा जाए इसके अकाउंट पे कितने डायमंड में मिलता है। कम ऑन दे दे यार। यार मेरे को लग रहा ना ये पूरा का पूरा चेन मेरे को तोड़ना पड़ेगा। ओके ये कुछ मिला है यार, ये क्या है भाई, मैं देखना चाहूंगा एक बार, रुको। ये शायद अच्छा ये लूट क्रेट ही है, चलो कोई बात नहीं है, इसको खोलते हैं, लेट्स सी। भाई लास्ट में देना जरूरी रहता है क्या यार इन लोगों को। तो 399 डायमंड में फाइनली यार हम लोग को ओपीसी ग्लोअल की स्किन भी मिल चुकी है। मैं देखना चाहूंगा भाई के अकाउंट पे क्या एक भी ग्लोअल की स्किन थी या फिर ये पहली है। नहीं यार ढेर सारी ग्लोअल की स्किन है भाई के पास, भाई के पास ये सारी ग्लोअल की स्किन पहले से। बट यार इन सारे के सारे ग्लोअल की स्किन में ना सबसे जॉर्ड सबसे एपिक ये ग्लोअल की स्किन है यार। अब आ रहा है ना मजा भाई का अकाउंट देखकर, भाई बहुत सही है यार। भाई का अकाउंट तो लिटरली यार बहुत ज्यादा लकी निकला, मेरे को लगा नहीं था इतने इजी तरीके से हम लोग को 2 बंडल मिल जाएंगे। एंड मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, मेरे को लगा था रेड वाली बंडल मिलेगी, साथ में कोई बैकपैक की स्किन वगैरह हम लोग ले लेंगे काम खत्म। लेकिन गाइस यहां पर बहुत सही तरीके से रेफिल चाचा ने कमाल किया है, हमारे टकला चाचा ने सारे रेयर आइटम निकाल के दे दिए। एंड गाइस अब बारी है इन दोनों में से कोई एक वेपन के स्किन को निकाल कर देने की, ताकि ज्यादा से ज्यादा वेपन की स्किन भी भाई के अकाउंट पे आ सके। चलो गाइस देखते हैं यहां पर हम लोग को टोटल कितने वेपन के स्किन मिलते हैं इसके अकाउंट पे, लेट्स सी। ओके यहां पर कुछ नहीं मिला, तो हम लोग को चाहिए होंगी टोटल 2 ब्लूप्रिंट एंड साथ में 4 या 5 एवोल्यूशन स्टोन, इतने चाहिए होंगे ना, आई थिंक सो। 2000 डायमंड मोर देन इनफ है इन सारे के सारे आइटम को निकालने के लिए। कमॉन एक एवोल्यूशन स्टोन ओपी तरीके से मिल चुकी है, और एवोल्यूशन स्टोन की कमी नहीं होने वाली, क्योंकि हमें पता और आप लोगों को पता होगा एवोल्यूशन स्टोन तो यार ये लोग दबा के देते हैं, कितना भी मना कर लो कितना भी कुछ भी कर लो भाई एवोल्यूशन स्टोन पे एवोल्यूशन स्टोन ही ये लोग देते हैं, तो उसकी तो टेंशन मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ से हमें चाहिए तो सिर्फ चाहिए ब्लू प्रिंट, 2 ब्लू प्रिंट मिल जाए काम हमारा हो जाएगा। एंड ये लो भाई इस स्पिन में भी हम लोग को एवोल्यूशन स्टोन मिल चुका है, साथ में मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट्स भी मिल रहे हैं। चलो ये सही चीज मिल रहा है, एक ये आइटम, एक ये आइटम और एक ये आइटम, यही 3 आइटम है जो कि काम की है, बाकी सारी चीजें बेकार है यार। गन का क्रेट लेके क्या करेंगे जबकि कुछ मिलती नहीं है गन के क्रेट से। पैड छूट नीचे यार हमें, भाई अभी तक लिटरली एक भी
ब्लूप्रिंट इन लोगों ने नहीं दिया है, ये बहुत गलत चल रहा है यार। अभी तक हम लोगों ने शायद से 1500 डायमंड वेस्ट कर दिए। प्लीज ओपी यार, फाइनली यहाँ पर एक ब्लूप्रिंट हम लोगों को मिल चुकी है। ये मैंने एक्सपेक्ट भी किया था यार, साथ में एक एमिस्ट्री स्टोन भी मिलता ना, बड़ा मजा आता यार। चलो ठीक है, राइफिल चाचा थोड़ा सही खेल रहे यार, इतना बुरा भी नहीं है राइफिल चाचा हमारे। डीजे एडम की जितनी भी पावर है ना गाइस, मेरे को लग रही ना राइफिल चाचा के अंदर आ चुकी है। हमारा टकला चाचा क्या ही कमाल कर रहे यार, पहले तो दो बंडल दिला दिया, स्कार गन की स्किन इतने सस्ते में दिला दिया, और रे ओपी ये लो भाई एक और एमिस्ट्री स्टोन गाइस मिल चुकी है। तो अभी चाहिए बस एक और ब्लूप्रिंट, एंड एक और ब्लूप्रिंट निकालने के ड्यूरेशन में एक और एमिस्ट्री स्टोन मिल गया तो सेकंड वाला निकाल कर दे देंगे, अदरवाइज कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लास्ट वाले निकाल के देंगे क्योंकि MP40 के स्किन को भी लेवल 3 तक भाई ने करने को कहा है, तो हाँ हम लोग वो भी करेंगे फिलहाल। कम ऑन यार, तो थोड़े से डायमंड गाइस हम लोगों को बचाना है। ऑलमोस्ट मैं 700-800 डायमंड जीता बचाऊंगा ताकि भाई के अकाउंट पे MP40 के स्किन को भी थोड़ा मैं अपग्रेड कर सकूं। चलो देखते हैं क्या इस ड्यूरेशन में हम लोगों को, अरे यार थोड़ा सा भाई, नहीं यार कम ऑन यार, एक भाई यार, एक यार, एक ब्लूप्रिंट और एक एविस्नी स्टोन ही तो चाहिए भाई, क्या कर रहे हो ब्रो, दिला दो ना यार सब्सक्राइबर का अकाउंट, समझा करो ब्रो। कम ऑन, ये क्या कर रहे हैं हमारे राइफिल चाचा, पागल हो गए गाइस। अब हम लोग राइफिल चाचा को चेंज करेंगे, लेट्स सी यहां पर कोई ऐसा करेक्टर है जो हमारे राइफिल चाचा को टक्कर दे सकता है। ये क्या है भाई, ये लड़की को मैंने कभी सिलेक्ट नहीं किया। चलो ठीक है, ओलिविया से ट्राई करते हैं, क्या ओलिविया के पास इतना पावर है कि वो राइफिल चाचा को हरा सके। चलो गाइस देखते हैं क्या ओलिविया हम लोग को रेयर आइटम निकाल कर दे सकती है। कम ऑन, अबे क्यों करते हो ऐसा, नहीं यार गाइस हग दिया। और अब मैं यहाँ पर लास्ट स्पिन करने वाला हूँ, अगर हम लोग को एटलीस्ट एक एवोल्यूशनरी स्टोन या फिर ब्लूप्रिंट नहीं मिली तो यार हम लोग आगे बढ़ेंगे एंड MP40 के स्किन को हम लोग थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। लेट्स सी देखते क्या होता है। कम ऑन भाई, ये गलत है यार, बहुत गलत है गाइस, यहाँ पर हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है एंड बाकी के जो डायमंड है ना गाइस उसको मैं खर्च करूंगा MP40 के स्किन को अपग्रेड करने के लिए। तो चलो देखते हैं कहाँ पर मिलेगी MP40 के। ओके ये रहा, चलो यहाँ पर है, तो हम लोग परचेस करने वाले हैं टोटल 13 क्रेट, हाँ ये सही रहेगा क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट लग जाएगी 100 डायमंड की एंड यहाँ से हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्रेट भी ओपन कर पाएंगे। तो भाई का MP40 कितने लेवल का है यार, मेरे को ये भी नहीं पता है, बस मैं ओपन किया जा रहा हूँ, वो भी देख लेंगे भाई का MP40 कितने लेवल का है, क्योंकि अगर भाई कह रहे 3 लेवल तक करना है इट मीन कि भाई का जो MP40 वो 1 लेवल का ही होगा शायद से। चलो ठीक है, यहाँ पर टोटल 2 बार हम लोगों ने क्रेट ओपन किया है एंड आई होप इतने से भाई का जो MP40 वो एटलीस्ट लेवल 3 तक तो चला जाए यार। ओके भाई का MP40 एक ही लेवल का यार, चलो देखते हैं ये गया लेवल 2 पे। ओके एंड ये गया लेवल 3 पे, लगा ही था गाइस मेरे को लेवल 3 तक की इजी पीजी तरीके से चला जाएगा एंड लेवल 4 के लिए हमारे पास टोकन कम पड़ चुके हैं यार। मेरे को लगा था ना इनक्यूबेटर रॉयल से हम लोगों को एटलीस्ट एक और ब्लूप्रिंट एंड एक और एवोल्यूशन स्टोन मिलेंगे, बट यार ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो यार हम लोग भाई के अकाउंट पे यही वाली वेक्टर की स्किन निकाल कर देने वाले एंड बाकी के जितने भी बच्चे डायमंड गाइस मैं भाई के अकाउंट पे ऐसे छोड़ दूंगा ताकि फ्यूचर में स्टोर में कोई नॉर्मल सा डिस्काउंट ऑफर है तो वहां से बाकी के आइटम को ये ले सके। बट स्टिल गाइस ओवरऑल जो बंडल निकल कर सामने आया ना भाई के अकाउंट पे, दो बंडल ओपीसी लेजेंडरी वेपन की स्किन यार देखकर बहुत मजा आया एंड जबकि भाई के अकाउंट पे 2 बंडल हो ही चुके तो क्यों ना इन दोनों बंडल को कंबाइन करके भी देखा जाए कैसा लगता है। तो ये वाली हेयर स्टाइल रखता हूं मैं, ओके अभी से ही थोड़ा सही लग रहा है एंड बॉडी पार्ट यार ये मेरे को सही लगता है, एक बार ये लगा के देखता हूं, नहीं इतना सही लग रहा बॉडी पार्ट ये सही है एंड पैंट में हम लोग इसको रखते हैं ओके एंड शूज में भी ना मैं ये येलो वाली रखता हूं। ठीक है गाइस आप लोग देख पा रहे होंगे दोनों बंडल का कॉम्बिनेशन ओवरऑल कुछ ऐसा निकल कर सामने आया है एंड हाँ बंडल इतना कुछ ओपी नहीं है, बहुत खास नहीं है, ठीक ठाक बंडल आप लोग कह सकते हो एंड साथ में हम लोग को स्पोर्ट्स कार की स्किन मिली थी, ये रही स्पोर्ट्स कार की स्किन डायमंड टॉप अप इवेंट के हिसाब से बहुत सही निकल कर सामने आई है एंड साथ में हम लोग को कटाने की स्किन मिली थी। भाई का अकाउंट तो एकदम ओपी तरीके का बन चुका है ना, अब बारी है आपके अकाउंट को एकदम जॉड लेवल की बनाने की, तो आप लोगों को पता ही होगा मैं अपने सब्सक्राइबर का अकाउंट कैसे सिलेक्ट करता हूं। जाओ जल्दी से इंस्टाग्राम पर किसी भी लेटेस्ट पोस्ट को लाइक कर दो एंड उसी के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो अपना नाम और अपनी गेम की आईडी, बस आप लोग को इतना ही करना, जल्दी में किसी लकी विनर को सिलेक्ट करूंगा एंड उनके अकाउंट पे ढेर सारे डायमंड टॉप करके जो जो डिमांड करेंगे सब कुछ परचेस करके दे दिएंगे। एंड हां गाइस अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।